नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है हेमंत वर्मा और आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर प्रोफेशनल। आज जानेंगे बेर के पेड़ में लगने वाले प्रमुख कीट और इनकी रोकथाम, साथ ही जानेंगे बेर के प्रमुख कीटों को नियंत्रित करने वाली कीटनाशी और इनकी डोज। तो आइए शुरू करते हैं। बेर वृक्ष में सबसे अधिक फल मक्खी, फल छेदक, छाल भक्षक कीट और मीलीबग का प्रकोप रहता है, साथ ही कुछ रस चूसक कीट भी नुकसान करते हैं। फल मक्खी यानी फ्रूट फ्लाई, यह बेर का सबसे हानिकारक कीट है। जब फल छोटे और हरी अवस्था में होते हैं तब से ही इस कीट का आक्रमण शुरू हो जाता है। इस कीट की वयस्क मादा मक्खी फलों के लगने के तुरंत बाद उनमें अंडे देती है। ये अंडे लार्वा में बदलकर फल को अंदर से नुकसान पहुँचाते हैं। इसके आक्रमण से फलों की गुठली के चारों ओर एक खाली स्थान हो जाता है तथा लट्टे अंदर से फल खाने के बाद बाहर आ जाती है। इसके बाद में मिट्टी में प्यूपा के रूप में छिपी रहती है तथा कुछ दिन बाद वयस्क मक्खी बनकर फिर से फलों पर अंडे देती है। यह चक्र ऐसे ही चलता रहता है। इसकी रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए मई जून में बाग की मिट्टी पलटें। रोकथाम हेतु बाग के आसपास के क्षेत्र से बेर की जंगली झाड़ियों को और प्रभावित फलों को इकट्ठा करके नष्ट कर देना चाहिए। फ्रूट फ्लाई के प्रति सहनशील यानी टॉलरेंट वैरायटी उमरान और टीकड़ी लगाएं। रासायनिक माध्यम से नियंत्रण के लिए वृक्ष में फूल आने की अवस्था के समय क्योनोल्फॉस 25% ईसी, जो बाज़ार में सेल्क्वीन या क्रश नाम से मिलता है, की 1 ml मात्रा, या डाई मेथॉइड 30% ईसी, जिसका ट्रेड नेम रोगर या टफगोर है, कि 1 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। दूसरा छिड़काव फल लगने के बाद, जब अधिकांश फल मटर के दाने के आकार के हो जाएं, उस समय क्योनोल्फॉस 25% ईसी 1 ml या डाई मेथॉइड 30% ईसी 1 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें तथा तीसरा छिड़काव दूसरे छिड़काव के 15 से 20 दिनों बाद करना चाहिए। फल छेदक इल्ली, शुरुआती अवस्था में इसकी इल्ली पत्तियों को खाती है तथा बड़ी होने पर फलों में गोंद गोल छेद बनाकर उसके अंदर के भाग को खाती है, जिसके कारण फल सड़ जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। बचाव और रोकथाम के लिए प्रोफेनोफोस 40% प्लस साइपरमेथ्रिन 4% ईसी यानी प्रोफेक्स सुपर या हेलियोक्स 2 ml प्रति लीटर या एमोमेक्टिन बेंजोइड 5% SG, जो प्रोक्लेम या मामेक्टिन के नाम से जानी जाती है, जिसकी आधी ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी के साथ स्प्रे करें। फल छेदक पतंगे के लिए 3 ट्रैप प्रति एकड़ लगाएं तथा प्रतिरोधी यानी रेसिस्टेंट वैरायटी गोला को लगाएं। फल भक्षक कीट यानी बार्क ईटर इंसेक्ट, यह कीट वृक्ष को नुकसान इसकी छाल को खाकर करता है तथा छुपने के लिए अंदर छाल या टहनी में गहराई तक सुरंग बना लेता है, जिससे कभी कभी डाल या शाखा कमज़ोर हो जाती है। फलस्वरूप वह शाखा टूट जाती है, जिससे उस शाखा पर लगे फलों का सीधा नुकसान होता है। इस कीट के नियंत्रण हेतु सूखी शाखाओं को काटकर जला देना चाहिए। जुलाई अगस्त में मेलाथियन 50% ईसी 1.5 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर शाखाओं या डालियों पर छिड़कें। साथ ही सुरंग को साफ करने के लिए केरोसिन 3 से 5 ml प्रति सुरंग पिचकारी के रूप में डालें तथा उसका फोहा बनाकर सुरंग के अंदर रख दें और बाहर से गीली मिट्टी से सुरंग बंद कर दें। मीलीबग, इस कीट के शिशु और वयस्क मादा दोनों ही फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। फूल, फल और मुलायम टहनियों के रस को चूसकर पौधों को कमज़ोर करते हैं। यह कीट हनीड्यू स्त्रावित करता है, जिसके ऊपर हानिकारक फफूंद विकसित होती है और प्रकाश संश्लेषण क्रिया बाधित करता है। बचाव व रोकथाम के लिए नीम ऑयल 1 से 2% उपयोग करें। यदि कीट फिर भी नियंत्रित नहीं होता है तो प्रोफेनोफोस 50% ईसी यानी सेलक्रोन या क्लोरोपाइरीफोस 20 ईसी यानी धनवान 20 या ब्यूफ्रोफेजीन 25% ईसी यानी धानुका की एप्पल
या डाइमिथॉइड 30% ईसी यानी टफगोर या इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL यानी कॉन्फिडोर दवा 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करें। तो आज हमने जाना बेर में लगने वाले प्रमुख कीट और इनकी रोकथाम करने वाली कीटनाशी और इनकी डोज। आपका कोई भी सुझाव या जानकारी सहृदय आमंत्रित है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।